أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم تو ऑल ऑफ यू ऑल फाइन। ओके जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन कंप्यूटर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है? क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो वो इसे बुक का हिस्सा ना बनाते, ठीक है? तो जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सारे जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले ही मैं आपको बताता चलूँ, ये क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। साइनोनिम क्या है, होमोनिम क्या है, रिडंडेंसी क्या है, म्यूचुअल सब डाटा क्या है, और इसके अलावा इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी वो कंसिडर कर देते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में एग्जिस्ट इन द रिलेशन बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले पहले किस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो टेबल्स में पाई जाती है, रिलेशन में पाई जाती है, ठीक है? अब आपको इस यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली करती क्या है। नॉर्मलाइजेशन आपकी सैनोनिम प्रॉब्लम को खत्म करती है, होमोनिम को खत्म करती है, रिडंडेंस को खत्म करती है, और म्यूचुअल स्प्लिसिटी ऑफ डाटा जो है इसको इश्योर कर रही होती है, ठीक है? सैनोनिम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं। सैनोनिम ये वही सैनोनिम है जो आपने इंग्लिश में पढ़ा था, लेकिन इधर कंसेप्ट डिफरेंट है। ये सैनोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशंस। सैनोनिम क्या है, ये बेसिकली आपके टेबल्स में एक प्रॉब्लम की किस्म है डैट अक्कर्स, जो प्रोड्यूस होती है, जो पैदा होती है व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज फॉर सेम एट्रीब्यूट। यानी एट्रीब्यूट आपका एक ही है लेकिन आपने नेम दो मुख्तलिफ ले लिए हैं, ठीक है? द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट मस्ट बी सेम इफ इफ इट एग्जिस्ट टू आर मोर। वो कहता है कि आपकी किसी भी जो नेम का जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का जो नेम है वो सेम होना चाहिए अगर वो दो या दो से ज्यादा बार एग्जिस्ट किया जाए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक टेबल है, ठीक है? उसमें एक एक जगह लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम और एक जगह लिखा हुआ है सिर्फ नेम। अब देखो स्टूडेंट नेम में भी स्टूडेंट का नेम ही होगा और जो नेम वाला कॉलम है उसमें भी सिर्फ नेम ही होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैनोनिम कहते हैं। दोनों में सिर्फ नेम ही स्टोर होगा, ठीक है? नीचे उसने एग्जाम्पल दिया है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू रिलेशन। फर्ज करें हमारे पास ये वाले दो टेबल्स हैं, एक आइटम के नाम से हमारा टेबल और दूसरा सप्लायर के नाम से, ठीक है? ओके, अब देखो इसमें आइटम नंबर है, आइटम को आइटम कलर है, सप्लायर कोड है और सप्लायर आईडी। अब सप्लायर कोड और सप्लायर आईडी जो है ये बेसिकली इन दोनों में एक ही किस्म का डाटा स्टोर होगा, ठीक है? इनमें ये नहीं होगा कि इस सप्लायर कोड में भी उसका नंबर होगा, सप्लायर कोड मतलब जो चीज़ें सप्लाई करता है जो आगे दुकानदारों को देता है, और सप्लायर आईडी भी वही है उसका नंबर होता है। तो नेम मुख्तलिफ है, इधर सप्लायर कोड लिखा हुआ और इधर सप्लायर आईडी है, दोनों में जो डाटा होगा वो सेम टाइप की होगा। वो कहता है इस किस्म की जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं, सैनोनिम कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में अगर देखा जाए तो आपको पता है सैनोनिम क्या, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स तो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो सेम होती है। द अबव रिलेशन हैव सैनोनिम प्रॉब्लम एज सप्लायर आईडी एंड सप्लायर कोड फील्ड्स रेफर टू सेम एट्रीब्यूट। वो कहता है जो ऊपर वाले दो टेबल्स हैं उनमें सैनोनिम प्रॉब्लम वो क्या है कि क्योंकि सप्लायर आईडी और सप्लायर कोड जो है वो एक ही एट्रीब्यूट की तरफ इशारा कर रही है, एक ही एट्रीब्यूट के मुतल्लिक है। द एरर कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सप्लायर आईडी इन बोथ रिलेशन। वो कहते हैं इस एरर को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं कि हम दोनों टेबल में सप्लायर आईडी यूज कर लें या हम सप्लायर कोड यूज कर लें, जरूरी नहीं कि आप आईडी यूज करें या कोड करें, ठीक है? ओके, उसके बाद है होमोनिम, ठीक है? सैनोनिम की आपको समझ आ गई कि सैनोनिम आपकी टेबल में वो एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपके टेबल में प्रोड्यूस होती है जब दो मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ नेम जो है वो किसी सेम एट्रीब्यूट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट आपको पता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी होते हैं। इसकी मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? तो मेरे एट्रीब्यूट क्या है, रोल नंबर है, ठीक है? मेरा एट्रीब्यूट नेम है, एज है, फादर नेम है, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ है, ये वो सारे मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसमें आपके सैनोनिम कब करोगी कि एक कॉलम लिखा हुआ जिसका नाम है स्टूडेंट नेम और दूसरा कॉलम जो है टेबल में उसका नाम है सिर्फ नेम, ठीक है? अब दोनों में तो स्टूडेंट का नेम ही शो होगा ना, स्टोर होगा, तो इसको हम कहते हैं सैनोनिम प्रॉब्लम। उसके बाद है होमोनिम। होमोनिम जो है वो बेसिकली सैनोनिम के आपके क्या कहते हैं, उल्ट होती है, ठीक है? अ होमोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन द सेम नेम इज यूज फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। यानी जो जब दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के लिए आप एक ही नेम यूज करें, आप एक ही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोनिम, ठीक है? होमोनिम इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की किस्म है, किस में प्रोड्यूस होती है, रिलेशन में आपके टेबल में, जब हम क्या करते हैं हम सेम नेम यूज करते हैं दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के लिए, ठीक है? इसकी आगे एग्जाम्पल आ रही तो आपको समझ आ जाएगी। डिफरेंट नेम मस्ट बी यूज फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट, यानी मुख्तलिफ नेम जो है वो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, अगर मैंने डेट ऑफ बर्थ तरीके बताया से इंटर करनी है, उसको भी मैं उसके लिए मैं एक कलम यूज कर रहा हूँ, और जो
एज है उसके लिए मैं वही, यानी उसी कॉलम में मैं एज लिख रहा हूँ और उसी में डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। अब आपको पता है एज और डेट ऑफ बर्थ दो अलग चीजें हैं, ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस हो सकती है। नीचे उसने एग्जाम्पल दिया, देखते हैं कौन सी एग्जाम्पल उसने दिया है। ओके, इसमें अब देखो, सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू रिलेशन, फर्ज करें हमारे पास दो रिलेशन है, एक में है, एक का नाम है कस्टमर, जो कस्टमर का डाटा स्टोर करेगा, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर की आईडी होगी, ठीक है, कस्टमर आईडी यानी कस्टमर का नंबर क्या है, ठीक है, कितने नंबर पर कस्टमर आया और उसने कोई चीज खरीदी, और कंपनी नेम के इस कंपनी से खरीदी, ठीक है। इसी तरह सप्लायर है, सप्लायर है कि सप्लाई करने वाला, कस्टमर खरीदने वाला तो सप्लायर वो आगे देने वाला होता है, चीजें मुहैया करने वाला होता है, कंपनी नेम और कंपनी नेम। इन द अबव रिलेशन हमन इन प्रॉब्लम एज कंपनी नेम एट्रीब्यूट इज यूज फॉर बोथ रिलेशन, ठीक है, यानी जो कंपनी नेम एट्रीब्यूट्स है वो दोनों रिलेशन के लिए इस्तेमाल, इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन बनाएगा कि किस कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए डिफरेंट नेम शुड बी यूज इन सप्लायर रिलेशन सच एज सप्लायर नेम इंस्टेड ऑफ कंपनी नेम, ठीक है, यानी जो सप्लायर रिलेशन में है उसमें मुख्तलिफ नेम इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखो ना, इसमें ये जो कस्टमर है इसमें क्या होगा कि उसका कंपनी नेम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर क्या होगा, वो कहता है सप्लायर है, इधर कंपनी नेम नहीं होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, सप्लायर नेम होना चाहिए कंपनी नेम के लिए, क्योंकि टेबल हमारा किसका है, सप्लायर का, यानी जो डाटा सप्लायर करता है, तो जो सप्लायर का, क्योंकि टेबल सप्लायर का है, तो हम उसके लिए नाम भी सप्लायर नेम लिखेंगे, हम कंपनी नेम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कहता है प्रॉब्लम अक्सर हो सकती है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपने डेट ऑफ बर्थ एक टेबल आपने बनाया है, ठीक है, उसमें आपने एक कॉलम बनाया डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में आप तरीके पैदाइश भी इंटर कर रहे हैं और उसी में आप एज वगैरह स्टोर कर रहे हैं, तो ये भी होमोनिम की एक प्रॉब्लम होती है। ओके, इसकी मैं दोबारा रिवाइज करवा देते, तो होमोनिम हमारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जब दो मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के लिए आप सेम नेम यूज कर रहे हो, ठीक है। ओके, उसके बाद रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी आपको पता है डुप्लीकेशन होती है, ठीक है, जब एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दो या दो से ज्यादा जगह पर स्टोर की जा चुकी हो, तो उसको आप क्या कहते हैं, रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन द रिलेशन दैट अकर्स व्हेन सेम इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरीली स्टोर्ड इन टू डिफरेंट वेज और फॉर्म, यानी आपकी जो एक किस्म की इंफॉर्मेशन है वो गैर जरूरी पर दो दो या दो से ज्यादा जगहों या दो से ज्यादा अशकाल में सेव की जा चुकी हो, ठीक है। सपोज इसकी एग्जाम्पल दे रहा है जी, सपोज वी हैव द फॉलोइंग टू रिलेशन, फर्ज करें हमारे पास दो रिलेशन हैं, द अबव रिलेशन हैव रिडंडेंसी प्रॉब्लम एज एट्रीब्यूट एज एंड डेट बर्थ स्टोर्स द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कहते जो ऊपर वाला टेबल है इसमें क्या है, हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, एक क्या है डेट ऑफ बर्थ है और दूसरा क्या है एज है, ये क्या करते हैं एक ही किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अब आपको पता, यहाँ समझ एक थोड़ी सी ट्रिकी बात क्या है, अब आपको पता है, अगर आपको पता हो कि मेरी एज इतनी है, मैं कहता हूँ मेरी एज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरी एज 20 ईयर है, तो मैं अपनी एज से अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, ठीक है, और अगर मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ का पता होगा तो मैं अपनी एज बता सकता हूँ काउंट करके। इसी तरह अगर मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, मुझे एज का पता है कि मेरी उम्र इतने साल है, तो मैं उससे डेट ऑफ बर्थ निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ का पता है तो उससे मैं एज हासिल कर सकता हूँ, वो कहता है कि यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर लें, यहाँ ये एज स्टोर कर लें, दोनों चीज़ों को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिससे हमारी मेमोरीज आया होंगी, ठीक है, ये वो बात बताना चाह रहा है। देखो आगे वो बता रहा है, द एज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट्स, द एज एट्रीब्यूट इज क्रिएटिंग रिडंडेंसी इन द रिलेशन, वो कहता है किसी भी जो एज है पर्सन की वो हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहता है इस रिलेशन में जो एज क्या है वो एज जो एट्रीब्यूट है वो क्या कर रहा है, रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है, इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रिलेशन, इसको क्या करना है हमने रिलेशन से खत्म करनी चाहिए, जरूरी है कि हम इसको खत्म कर दें। चलो जी, वेरी इंपॉर्टेंट और न्यू कंसेप्ट आप लोगों के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन रिलेशन दैट अकर्स विद एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर स्पेसिफाइड एज येस आर नो, ठीक है, वो कहता है ये इस तरह की प्रॉब्लम है जो कि एट्रीब्यूट्स में प्रोड्यूस होती है, जिनकी वैल्यू या येस हो सकती है या नो, ठीक है, जिंदा है ठीक है, येस, मर गया है नो, ठीक है, तो मतलब इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में लिखा हुआ है जी, हम कहते हैं कि कुछ इस तरह की उसने एग्जाम्पल दी, जैसे कि नीचे उसने लिखा हुआ है मैरिड और सिंगल, ठीक है, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। वैसे इसकी अगर मैं कहाँ जनरल लाइफ में एग्जाम्पल दूँ तो जिंदा या मर गया, ठीक है, एक जगह पर लिखा हुआ है स्टेटस यानी अलाइव, ठीक है, येस या नो, ठीक है, तो हम उधर लिखा हुआ अलाइव है, ठीक है, और नीचे कहीं लिखा हुआ डेड, यस या नो, यानी आपने फोल्ड कर दिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है।
इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं, आपको समझ आएगी कि ये क्या है, क्या रहा। समटाइम्स टू आर मोर सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर एनी एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अच्छा अब मेरी एग्जांपल इसमें समझ आ गई है कि कहते हैं हम मैरिटल स्टेटस देखते हैं, जो हमारी शादी का स्टेटस ही है, तो हम कहते हैं कि अब उसमें देखो हमारे पास यस या नो हम नहीं कह सकते। वो कहते हैं मैरिड यस, अगर यस है तो मैरिड शादी हुई है, नो है तो नहीं हुई है। अगर फॉर एग्जांपल शादी हुई और वो डाइवोर्स हो तो ठीक है, तो मतलब हम ये वाली जो प्रॉब्लम उस वक्त टक्कर होती है जब हमारे पास यस या नो से काम नहीं चल रहा होता, अभी हमें कोई तीसरे ऑप्शन की जरूरत होती है। ठीक है, दोबारा बता दूँ, शादी की बात हम कर ले सिंपल, मैरिड यस या नो हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो अगर यहाँ तो उसकी शादी हुई हुई है यस, और वो डाइवोर्स है तो हमने तीसरा ऑप्शन यूज करना है ना, तो इस वजह से हमारे पास एक प्रॉब्लम होगी। वो कहता है समटाइम्स टू आर मोर सच एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम फॉर वन एंटिटी। वो कहते हैं किसी एक एंटिटी के लिए ना वो ट्रू होते हैं, कभी कभार ना वो फॉल्स होते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग रिलेशन, हमारे पास फर्ज करें हमारे पास ये वाला टेबल है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी मैरिड और सिंगल, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी है, मैरिड है और सिंगल है। द अबव रिलेशन हैव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मींस प्रॉब्लम एज एट्रीब्यूट मैरिड एंड सिंगल कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। कहते ये जो वाले ऊपर वाला टेबल है, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम है एट्रीब्यूट्स में, किस में, मैरिड और सिंगल में। ठीक है, ये दोनों एक वक्त में ना ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते। द प्रॉब्लम अक्कर इफ यस इज सिलेक्टेड इन बोथ एट्रीब्यूट्स एज पर्सन कैन नॉट मैरिड एंड सिंगल एट द सेम टाइम। कहते ये वाली प्रॉब्लम उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब हम मैरिड को भी यस कर दें और सिंगल वाले को भी हम क्या कर दें, यस कर दें। तो आप देखो हमने कह दिया सिंगल भी यस कह दिया कि वो सिंगल है और मैरिड भी यस कह दिया, तो ये प्रॉब्लम तो प्रोड्यूस होगी ना। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग जनरल एट्रीब्यूट। कहते हैं ये वाली जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जनरल एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए। हम क्या करें, हम मैरिड या सिंगल की बजाय हम सिर्फ लिखते हैं मैरिटल स्टेटस लिखने कि उसका शादी होने का या ना होने का स्टेटस क्या है, उसका शादी उसने की हुई है या नहीं की हुई है। द पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस एट्रीब्यूट कैन बी एम फॉर मैरिड एंड एस फॉर सिंगल। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये वाली एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इस एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, एक एम फॉर मैरिड हम लिख दें, अगर वो सिंगल है तो हम एस लिख दें, बस काम खत्म। ठीक है, इस प्रॉब्लम की समझ आई, यानी हमारे पास ये टेबल है, इसमें हमने एक बंदे का नाम फॉर एग्जांपल अली है, उसका एम्प्लॉई आईडी 01 है, मैरिड में भी हमने लिख दिया यस और सिंगल में भी हमने लिख दिया यस। मैरिड में यस होने का मतलब उसकी शादी हुई, या सिंगल में यस होने का मतलब उसकी नहीं हुई, ये प्रॉब्लम तो होगी ना। हमने दो दो गलत वैल्यू इंटर कर दी है, यहाँ तो वो मैरिड होता तो वो सिंगल नो होना था, अगर वो मैरिड नहीं होता तो वो सिंगल यस होता था। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन दो एट्रीब्यूट्स को हटाकर हम एक एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे जिसको हम क्या लिख देंगे, मैरिटल स्टेटस। एक तो हमारी जगह बच जाएगी और मैरिटल स्टेटस में हम सिंगल या मैरिड लिख देंगे, बस काम खत्म। चलो जी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें जी, अगर आपको इसमें किसी किस्म का भी इशू है तो हम डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।